बिल्डिंग फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन एट बेड सोयल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नियर टू द ड्रेन्स। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि बिल्डिंग फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन या तो बेड सोयल पर या तो किसी भी ड्रेन के नज़दीक। अब बेड सोयल क्या है, जैसा कि आप दोस्तों को मालूम होगा कि वो अर्थ, वो सॉयल, वो ज़मीन जो कि बिल्डिंग वेट को सपोर्ट ना कर सके, मतलब कि नॉट सपोर्टेड हो बिल्डिंग के वेट के लिए, तो उसको हम बेड सॉयल कहेंगे। तो वहाँ पर बिल्डिंग की फाउंडेशन कैसे बनाई जा सकती है, तो उस एरिया में, उस नॉट सपोर्टेड सॉयल पर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, उसकी फाउंडेशन कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो मेरे भाई, जहाँ पर जो भी सॉयल बिल्डिंग वेट के लिए नॉट सपोर्टेड हो, बेड हो, तो वहाँ पर हम पाइल फाउंडेशन करते हैं। विदाउट पाइल फाउंडेशन वो बिल्डिंग कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती और वो बिल्डिंग वहाँ पर स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें बेड सॉइल पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तब करनी होती है जब हम वहाँ पर पाइल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसा कि पाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन है, तो वो या तो बेड सॉइल पर कंस्ट्रक्ट की जाती है या तो किसी भी हाई राइज बिल्डिंग के लिए की जाती है। तो यहाँ पर बेड सॉइल जो है नॉट सपोर्टेड सॉइल है, तो वहाँ पर भी हम पाइल फाउंडेशन करेंगे, क्योंकि वो पाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन है, तो तभी जाके बिल्डिंग स्ट्रांग हो सकती है, अदरवाइज वो बिल्डिंग कभी भी वहाँ पर नहीं बन सकती। अगर बनाई भी जाए तो वो वहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकती। और बिल्डिंग फाउंडेशन नियर टू द ड्रेन्स, जैसा कि ड्रेन्स तो वाटरी एरिया है, तो इसलिए वहाँ पर भी हमें पाइल फाउंडेशन करनी होगी, अदरवाइज वो सेलन की वजह से, वो मॉइस्चर की वजह से बिल्डिंग जो है वो वीक हो जाएगी और वीक बिल्डिंग कभी भी वहाँ पर जो है सक्सेस नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें वहाँ पर भी पाइल फाउंडेशन करनी होगी, क्योंकि पाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन है, तो वो वहाँ पर सक्सेस हो सकती है, अदरवाइज और कोई भी फाउंडेशन वहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकती। जैसा कि शेलो फाउंडेशन हो, शेलो फाउंडेशन कभी भी ना तो बेड सॉइल पर सक्सेस हो सकती है, ना तो ड्रेन्स के नियरी एरियाज जो हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जब हम कहते भी हैं, पढ़ के भी आए हैं कि पाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन ओनली हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो यहाँ पर हम बेड सॉइल जो है वहाँ पर अगर एक मंजिला जगह हो या दो मंजिला जगह हो, तो फिर भी हम वहाँ पर पाइल फाउंडेशन करेंगे। तो उसका जवाब यही है कि हाँ, एक मंजिला जगह हो, दो मंजिला हो, तीन मंजिला हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो सॉइल बेड है, नॉट सपोर्टेड है, देन पाइल फाउंडेशन विल बी डन। तो वहाँ पर पाइल फाउंडेशन ही की जाएगी, डीप फाउंडेशन ही की जाएगी, चाहे वो एक मंजिला जगह हो, चाहे वो दो मंजिला जगह हो, बेड सॉइल बेड ही है, तो वहाँ पर हमें पाइल फाउंडेशन करनी होगी। और यहाँ पर पाइल फाउंडेशन जो है वो इसलिए सक्सेस है कि पाइल फाउंडेशन में स्टील की जो अमाउंट है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है, और उसके साथ साथ ये डीप फाउंडेशन है, तो इसलिए पाइल फाउंडेशन हर जगह पर सक्सेस ही सक्सेस हो सकती है। तो इसलिए जहाँ पर कोई भी शेलो फाउंडेशन या और कोई भी प्लिंथ फाउंडेशन वगैरह सक्सेस नहीं हो सकती, तो वहाँ पर हम पाइल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं।